नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर हुए हमले को लेकर सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया है। सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने दोषियों को गिरफ्तार करने और ओपी राजभर को जेट सुरक्षा देने की मांग भी की है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायक जहूराबाद गाजीपुर, कल अपने क्षेत्र में, अपने निर्वाचित क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। एक पाल समाज के पीड़ित परिवार के घर गए थे, दरवाजे पर दरवाजा करने गए थे, और वहाँ जाने के बाद ईर्ष्यावश उस गांव के कुछ अराजक तत्व थे, जिसको लाठी डंडे और कट्टा भाला फरसा लेकर के माननीय नेताजी को गोलबंदी करके घेर लिए। देवरिया के रोधपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के जिला सचिव सिकंदर यादव ने अपने कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार में कमरतोड़ महंगाई को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, तभी से महंगाई लगातार बढ़ रही है। प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान है। इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं रुद्रपुर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के जिला सचिव सिकंदर यादव के आवास पर उपस्थित हूँ, और आज हम इनसे दो ही मुद्दों पर चर्चा करेंगे, महंगाई और बिजली। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपके चैनल का भी स्वागत, बधाई हो आपको। सर, लगातार बिजली कट रही है, जिससे आम जनता को बहुत समस्या हो रही है, इस संबंध में क्या करना चाहिए? बिजली तो जनता को मिल ही नहीं रही है, बिजली रात दिन आ रही है, जा रही आ रही, जो इसी खेल हो रहा है। जनता परेशान है, अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। लोग घरों पर हो या कंपनी हो, कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, जनता त्रस्त है बिजली से। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, खाद सामग्री के दाम बढ़ रहा है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई तो चरम पे है, महंगाई से जनता बेहाल है, जनता के पास इतना परेशानी है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है, और जो सामान बहुत सस्ते दाम में जो कॉल आ रहा था, आज वही 200-250 वसूला जा रहा है। बिजली का बिल बढ़ा दिया, 20 गुना बढ़ा दिया गया, हर चीज़ कई गुना बढ़ा दिया गया है। लोग परेशान है महंगाई से, लोगों के पास पैसा नहीं, किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, और पूरे देश में बेरोजगारी से जनता मर रही है। स्थिति बहुत ख़राब है, नाजुक है। श्रीलंका में आप देखे होंगे जो स्थिति है, वही स्थिति भारत की होने जा रही है। अगर ऐसी सरकार चली तो वही स्थिति होगी। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार हत्या हो रहा है? अभी आपके गौरी बाजार के देवताहा में अभी 2 हत्या हुई है। कानून व्यवस्था तो लचर है, योगी बाबा से सरकार तो चल नहीं रही है, ईवीएम का खेल करके सरकार बनाए हैं। जनता तो हमारे साथ थी, समाजवादी पार्टी के साथ जनता थी और आज भी है। ये ईवीएम से चोरी करके, वोट चुरा करके लोग सरकार बनाए हैं, और कहीं कोई विभाग इसे चल नहीं रहा है। आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट, लोगों का रास्ते में चलना दुश्वार हो गया है, बहन बेटियों का चलना दुश्वार हो गया है, ऐसा गुंडों का मन बढ़ गया है, कहीं कोई अंकुश नहीं है गुंडों पर। इसलिए इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और तत्काल फिर से चुनाव कराना चाहिए, और ईवीएम को हटा करके ब्लैट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। जिसके साथ जनता हो उसकी सरकार बने, तब लोकतंत्र ठीक से चलेगा। लोकतंत्र भी खतरे में, लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है, लोकतंत्र की हत्या आए दिन की जा रही है, ऐसे सरकार चल रही है, जनता परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे समाजवादी पार्टी के जिला सचिव सिकंदर यादव, जो लगातार भाजपा सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। बहुत बहुत देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के देवता गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब पहली पत्नी के बेटे ने सौतेली माँ के 2 युवकों को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया, जिनका नाम अजय और अभिषेक बताया जा रहा है। पहली पत्नी के बेटे और सौतेली माँ के बीच जमीनी विवाद को लेकर कुछ दिनों से तनाव चल रहा था, और उसी को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। थाना गौरी बाजार के ग्राम देवता में एक व्यक्ति श्रीनिवास नाम के हैं, जो विदेश में रहते हैं। उन्होंने 2 शादियां कर रखी है, छोटी पत्नी से 2 बच्चे हैं, बड़ी पत्नी से 2 बच्चे हैं। बड़ी पत्नी, उसके बेटे और उसकी पुत्रवधु ने मिलकर छोटी पत्नी के दोनों बच्चों की आज सवेरे 5-5:30 बजे के बीच गला रेत कर हत्या कर दी, जब वो दोनों बच्चे सो रहे थे। इस समय हम लोग मौके पे हैं, जितने आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों के लिए बनाए गए रेलवे के क्वार्टर अब जवाब देने लगे हैं। दशकों पहले बनाए गए इन क्वार्टरों की मियाद अब पूरी हो चुकी है, फिर भी कर्मचारी इसमें रहने को मजबूर हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद भी संबंधित विभाग जर्जर बिल्डिंग की मरम्मत नहीं करा पाता, इसके कारण कर्मचारियों में हमेशा डर की स्थिति बनी रहती है। वहीं बहुत से क्वार्टर खाली होने की वजह से अराजक तत्वों का अड्डा भी बन गया है।
अर्जित तथ्य पर जमा होकर जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं और यहां तक कि पिछले एक दशक में कई बार हत्याएं भी हो चुकी हैं। कई बार शिकायत भी की गई पर प्रशासन की तरफ से या रेल की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण उनका जीवन खतरे में बना हुआ है। देखिए, जो रेलवे कॉलोनी में जो क्वार्टर्स हैं उनका प्रॉपर रख रखाव किया जाता है, रेगुलर उसके एक जोनल एजेंसी फिक्स की जाती है जिसके अंतर्गत इन कॉलोनियों की मरम्मत होती है और उसके लिए संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इसकी मरम्मत करते हैं। रेलवे कॉलोनी जहां तक हम देखते हैं और कई बार हम लोग भी कॉलोनी में ही रहते हैं और कॉलोनी में निकलते हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है, रोड वगैरह भी अच्छी की गई हैं, बेहतर की गई हैं। पुरानी कॉलोनी है फिर भी फेज वाइज हम लोग कुछ कुछ पार्ट को लगातार इम्प्रूव करते हैं। हर साल हम लोग कुछ लक्ष्य बनाते हैं कि कुछ पार्ट को, कुछ किसी एक पार्ट को हम लोग बेहतर करते हैं। हादसा हम लोग यहाँ उठते बैठते टहरते हैं, सब लोग यहाँ पर घूमते बैठते हैं, लेकिन रेल प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। कॉलोनी जलजल हो गया है, केवल क्वार्टर के नाम पर कुछ हो नहीं रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोगों के बीच में। बड़ा हादसा भी हो सकता है। एक साइकिल यहाँ टूट गया, हम लोग गाड़ी यहाँ रखे थे तो कहीं गाड़ी हटा लेने से दो तीन गाड़ियाँ दोपहिया दब गई होती। मई के महीने में गर्मी अपने चरम पर है और तापमान भी अपने चरम पर, लेकिन रोजमर्रा के कार्य के लिए दूरदराज ग्रामीण अंचल से आने वाले लोगों को अपने कार्यों के लिए अपने घरों से बाहर निकलना ही पड़ रहा है। और हम सीएम सिटी की बात करें तो नगर निगम की तरफ से गोरखपुर जनपद के सभी चौक चौराहे पर निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था कराई जाती है, जिसे दूर दराज से शहर में आने वाले जनता नगर निगम द्वारा लगाए गए निःशुल्क और सरकारी हैंडपंप के भरोसे ही रहती है, जिससे जनता को शुद्ध पानी निःशुल्क मुहैया कराया जा सके और उनकी प्यास को बुझाया जा सके। लेकिन मई महीने में इस चिलचिलाती धूप में लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए दूरदराज ग्रामीण इलाकों में शहर में आ रहे हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा कहीं भी किसी चौक चौराहे या सार्वजनिक स्थलों पर निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई। वही जब न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने प्याऊ की व्यवस्था के बारे में नगर आयुक्त अविनाश सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम सभी आम जनमानस को शुद्ध और स्वच्छ पानी पिलाए, इसलिए कई जगह पर एटीएम प्याऊ की व्यवस्था की गई है जिससे लोग शुद्ध स्वच्छ जल पी सके। देखिए, नगर निगम की जो जलकल शाखा है वो प्याऊ की व्यवस्था प्रत्येक गर्मी के मौसम में करती रही है और इस वक्त भी कर रही है। कुछ जगहों पे निश्चित रूप से शिकायत आ रही है कि जहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है, इसको हम लोग दिखवा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में कहीं किसी को, किसी भी राहगीर को या किसी भी नागरिक को पीने के पानी की कोई समस्या ना हो। सर, जैसे वाटर एटीएम लग रहा है तो वाटर एटीएम की क्या खासियत और कैसे उसका प्रयोग करें? देखिए, हम लोग ये कोशिश ये भी कर रहे हैं कि शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल जो कि आरओ का हो, बेहतरीन पानी हो, प्रदूषण रहित हो, कोई कीटाणु रहित हो, इसके लिए हम लोग कुछ जगहों पर वाटर एटीएम की सुविधा मुहैया करा रहे हैं, जहाँ की बहुत ही अल्प मूल्य पर, न्यूनतम मूल्य पर पानी की जो गिलास है एक, वो उनको पीने के लिए ठंडे पानी गिलास मिल सके। देखिए, स्मार्ट सिटी बनाने से नहीं कुछ होगा, स्मार्ट सिटी बन भी जाए तो क्या, इतनी तूफानी प्रचंड गर्मी है यहाँ पर, हर साल व्यवस्था होती थी, इस बार कहीं कोई नाम ही नहीं कि कहीं प्याऊ लगवा दें, कहीं कुछ कर लें, गायों के लिए कहीं कुछ कर लें, कोई ऐसा जलाशय है थोड़ा सा बना के कृत्रिम रूप से वहाँ पे मतलब बेसहारा जो छुट्टा पशुएँ हैं उनके लिए व्यवस्था कर लें। अभी तो मई की शुरुआत हो रही है, आने वाले समय में देखिए, अभी जब सूरज आग का गोला बन के जब अपना प्रचंड ये गर्मी बरसाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी ऐसे में इंसानों की। सूबे में बिजली संकट देखने को मिल रहा है और बिजली विभाग बिजली घाटे को पूरा करने के मद्देनजर बकाया दरों के कनेक्शन काटकर बकाया वसूली में लगी है। संत कबीरनगर की बात करें तो सरकारी विभाग बिजली विभाग का 6,95,00,000 डकार कर बैठे। रेलवे, दूरसंचार, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग जैसे विभागों पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपए बिजली का बकाया है। बिजली विभाग सरकारी विभागों से बकाए की राशि वसूलने की कवायद में लगी है। इस मुद्दे पर संत कबीरनगर के अधिशासी अभियंता राजकुमार सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी हेमंत सिंह ने, देखिए। उत्तर प्रदेश में बिजली की किल्लत देखने को मिल रही है और हम बात करें अगर संत कबीर नगर की, तो संत कबीर नगर में सरकारी विभाग करोड़ों रुपए बिजली विभाग का दबाए बैठे हैं और बिजली विभाग कैसे उनसे वसूल पाएगी सरकारी विभागों से, इसी मुद्दे पर एक्सियन जो है खलीलाबाद जो है आरके सिंह जी हमारे साथ हैं और उन्हीं से जानते हैं कि बिजली संकट से सूबा जूझ रहा है और बिजली विभाग को उबारने की कवायद चल रही है, तो संत कबीर नगर में बिजली विभाग
कैसे उभर पाएगा? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। धन्यवाद। क्या मानते हैं कि बिजली संकट से सूबा जूझ रहा है और बिजली विभाग अपने आप को उभरने की कोशिश कर रहा है और करोड़ों रुपए जो है सरकारी विभाग आपका दबाए बैठे हैं, तो कितना किन विभागों के ऊपर आपका बकाया है? देखिए, जो बिजली संकट तो नहीं है, हम लोग तो बिजली दे ही रहे हैं। बीच में कुछ इश्यूज़ था तो अब सब संभल गया है और बिजली हर जगह प्रॉपर दी जा रही है। अभी हमारे यहाँ सरकारी विभाग तो तकरीबन 6,95,00,000 इस ज़िले का बकाया सरकारी विभागों का, उसमें खासकर दूरसंचार का बकाया है लगभग 2.5 करोड़ का और स्वास्थ्य का बकाया है 1.5 करोड़ का। 1.5 करोड़ का तकरीबन प्राइमरी स्कूलों का बकाया है और बाकी ग्राम पंचायतों का बकाया है, मेनली जो ग्राम पंचायतों के स्तर से बिल जमा होना है। बाकी छोटे छोटे विभागों का बकाया कुल मिला के 6,95,00,000 का बकाया है। ये लगातार हम लोग वसूली के लिए प्रयास करते हैं और जैसे ही इन विभागों को फंड एलोकेट होता है ये विभाग जमा भी कर दे रहे हैं। अभी तो सेंट्रलाइज पेमेंट का एक ऑप्शन आ गया है जिसमें सीधे जो है विभाग अध्यक्ष UBPCL को पेमेंट कर सकते हैं, कर देंगे, तो अब ये समस्या भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हमारी मूल समस्या है जो हमारे घरेलू उपभोक्ता और ग्रामीण उपभोक्ता हैं उनमें जागरूकता की अभी भी कमी है। कहीं ना कहीं जब तक हम लोग डिस्कनेक्ट नहीं करने जाते हैं तब तक लोग बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं, जिससे कि हमारा राजस्व नहीं मिल पा रहा है और उसके कारण विभाग बिजली खरीदने में असहज महसूस करता है जब तक कि हम पूरा राजस्व नहीं दे रहे हैं। इवन हम लोग चोरी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं लगातार और लगातार डिस्कनेक्शन करा रहे हैं। जो लोग डिस्कनेक्शन करने के बावजूद अपनी बिजली जोड़ ले रहे हैं उनका भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 के तहत FIR भी करा दे रहे हैं और उस FIR में उनको कोर्ट जाना पड़ रहा है। तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं, इसलिए मैं प्रायः लोगों से अपील करता हूं कि भाई अपना बिल आप समय से जमा करें, आप हमारे काउंटर पे आएँ या हमारा मीटर रीडर के माध्यम से जमा करें या ग्राहक सेवा केंद्र से जमा करें। और आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, तमाम माध्यम हैं जिनके माध्यम से लोग अपना घरेलू का बिल खुद भी बना सकते हैं और वो ऑनलाइन जमा भी कर सकते हैं। तो छोटे ग्राहकों के ऊपर जो है डिस्कनेक्शन की कार्रवाई की जाती है, तो सरकारी विभाग लंबा बकाया लेके बैठे हुए हैं, उनके ऊपर डिस्कनेक्शन की कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं देखिए, छोटे ग्राहकों को हम लोग डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं। जो लोग 2-4, 5-4 वाले हैं प्राथमिकता उनकी डिस्कनेक्शन की नहीं रखती है। जो लोग लाखों रुपए का बकायादार हैं, 10,000 से ऊपर के बकायादार हैं, प्राथमिकता में उनकी ही हम लोग लाइन डिस्कनेक्ट करते हैं और सरकारी विभागों का भी डिस्कनेक्ट करते हैं। कुछ विभाग ऐसे हैं जैसे कि स्वास्थ्य विभाग हो गया, वहाँ चूँकि मरीजों का आना जाना रहता है तो अगर सरकार का अनुदान नहीं मिल पा रहा बिजली हेड का तो हम बिजली नहीं काट सकते क्योंकि वो जनता से जुड़ा विभाग है और यदि हम अस्पताल की बिजली काटेंगे तो थोड़ा सा आम जनता को भी दिक्कत होगी, इसलिए अस्पताल वगैरह की बिजली प्राथमिकता में नहीं काटा जाता है। बाकी सारे विभागों को काट के वसूली हो रही है और जहाँ की 600-700 करोड़ का बकाया आम कंज्यूमरों पे है, अन्य घरेलू और शहरी कंज्यूमरों पे, वहीं सरकारी विभागों का 6-7 करोड़ का बकाया है और वो तकरीबन आपके मेरे हिसाब से 1% है। तो 1% का बकाया आता है, हर बार आता है, कभी कभी अनुदान समय से न मिलने के कारण दिक्कत हो रहा है लेकिन जमा हो रहा है सरकारी विभागों का। ये थे RK सिंह साहब, एक्सियन संत कबीर नगर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कार्रवाई चल रही है, विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से रखने के मकसद से जो कार्रवाई की जा रही है बकायेदारों के ऊपर और जल्दी ही जो है बिजली विभाग को बकाये से उबार लिया जाएगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर। भारत सरकार के जनहितकारी योजना प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र दम तोड़ रही है। सरकार की मंशा थी कि गरीब जनता को दवाएं मुहैया हो सके, लेकिन संत कबीरनगर में जिला अस्पताल में स्थिति प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र महीनों से दवाओं के अभाव में बंद पड़ा है, जिससे आम गरीब जनता को बाहर की दवा की दुकानों से महंगी खरीदनी पड़ रही है। संत कबीरनगर के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी हेमंत सिंह ने। देखिए, हम इस वक्त खड़े हैं संत कबीर नगर के जिला अस्पताल पर और जिला चिकित्सालय है ये, और यहाँ पर सरकार की, केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जन औषधि केंद्र पर हम खड़े हैं और दिखाना चाहेंगे कि ये जो नज़ारा है ये है प्रधानमंत्री
जन औषधि केंद्र का जो संत कबीर नगर के जिला चिकित्सालय पर मौजूद है, लेकिन विडम्बना यह है कि बताया जा रहा है कि लगभग 6 महीने से ये बंद है। और हम दरवाजे को दिखाना चाहेंगे, इसका जो दरवाज़ा है उस पर साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर दवाएँ नहीं हैं। तो ये 6 महीने से यहाँ दवाई नहीं है। इसका उद्देश्य ये था कि जनता को जो है सस्ते दर पे जो है दवाइयाँ भारत सरकार उपलब्ध कराने के मकसद से यहाँ पर जो है जन औषधि केंद्र का जो है निर्माण कराया, स्थापना की गई थी। और यहाँ दिखाना चाहेंगे साफ जो है दवाओं का रेट लिखा हुआ है कि जो आम जनता को जो है भारत सरकार द्वारा किस रेट पर जो है दवाएं उपलब्ध कराने की कवायद भारत सरकार द्वारा की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे कि ऊपर लिखा है कि दवा नहीं है और महीनों से इस केंद्र पर जो है ताला लटका हुआ है। तो कुल मिला जुला के ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक जनहितकारी योजना थी जन औषधि केंद्र की स्थापना जो है हर ज़िले में की गई थी कि जिससे लोगों को सस्ती दवाएं सस्ते दर पे दवाएं उपलब्ध हो सके और वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सके, और वो योजना जन औषधि केंद्र की जो योजना थी वो दम तोड़ रही है और लोगों को दवाएं बाहर जो है मेडिकल स्टोरों से भारी भरकम रकम देकर खरीदना पड़ रहा है। देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि भारत सरकार के संज्ञान में कब ये इस योजना की जो धरातल पर दम तोड़ रही है उसकी खबर पहुंच पाएगी और भारत सरकार कब इस योजना को पुनर्जीवित करेगा और लोगों को राहत मिल पाएगी। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।